नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। कोरोना के इस महाकाल में जहां मंदिर और सभी धार्मिक स्थल महीनों बंद रहे और अब जब अनलॉक होने के बाद खुले हैं, तब पटना के विख्यात हनुमान मंदिर ने अपने भक्तों को चरणामृत देने की जो व्यवस्था की है वो सेंसर के द्वारा की है। यानी कि आप जब पटना के इस मंदिर में आए होंगे तो जो पुजारी होते थे वो चरणामृत चम्मच से देते थे आपको, लेकिन वही जो है पटना के हनुमान मंदिर के ट्रस्टियों ने मिलकर सेंसर का इंतजाम किया और अब जो भक्त जा रहे हैं वहाँ पर उन्हें सेंसर के माध्यम से चरणामृत दिया जा रहा है। और ये वो चरणामृत है जिसमें 6 तरीके के औषधीय पौधे इम्यूनेशन सिस्टम को बढ़ाते हैं, वैसी चरणामृत देने की व्यवस्था पटना के महावीर मंदिर ने किया है। चरणामृत जो है वो सेंसर के माध्यम से भक्तों को दिया जा रहा है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नेशन भारत चैनल के साथ। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कोई सलाह हो तो हमें अवश्य लिखें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।